हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी चस्का। आज हम घर में रखे हुए सामान लेकिन बहुत कम सामान के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी क्रंची स्नैक तैयार करेंगे, जो कि बच्चों का तो बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाला है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए दो बॉइल्ड पोटैटो लिए हुए हैं। सबसे पहले हम इनको पील करके तैयार कर लेते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे जरूरी टिप, आलू हमारे 90% तक बॉइल्ड होने चाहिए और अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडे कूल होने चाहिए। तो ये हमारे आलू अच्छे से देखिए 90% तक बॉइल्ड हैं और ठंडे हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर ये इस तरह की छलनी ली हुई है। आप कोई भी छलनी ले लें और इसको हम ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से छलनी में ही ये देखिए ग्रेट करेंगे, ताकि ये बिल्कुल महीन आलू हमारा नीचे निकल जाए। ये देखिए इस तरह से, इधर बैक साइड से ये देखिए हमारा, हमने सभी आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा पोटैटो तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए, इस पोटैटो में हम 2 टेबल स्पून ये हमने राइस फ्लावर डाला है। इसको हमने चावलों को घर में ही ग्राइंड कर लिया था, अच्छे से पीस लिया था। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/4 टेबल स्पून ये बेकिंग पाउडर है, 1 पिंच ये हमने बेकिंग सोडा, 1/4 टेबल स्पून ही से भी थोड़ा कम ये हमारा नमक, और देखिए ये 1/4 टेबल स्पून ये हमारा शुगर पाउडर है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हाथ में हल्का सा ऑयल लगाकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल एक डो फॉर्म में देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से कुकिंग ऑयल कोई भी आप लगा लें। 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको एक डो फॉर्म में तैयार करके इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। दूसरी बॉल से अच्छे से इसको कवर करके आइए, आफ्टर 5 मिनट देखिए हमारा डो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा हाथ पर इस तरह से इसका हाफ पार्ट लेंगे हम। अच्छे से इसको देखिए सेट कर लेंगे। ना तो बहुत ज्यादा मोटा ना पतला। देखिए इस तरह से कोई भी आप ढक्कन या कटर या कटोरी कुछ भी छोटा सा ले लें और इसको ये देखिए, ये हमारा ये चावल राइस फ्लावर था, इसमें थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से डिप करके इतनी ये हमने अपने पोटैटो स्नैक तैयार कर लिए हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा इसको निकाल कर दोबारा से बनाएंगे इसका। आइए इसको हम फ्राई करते हैं। देखिए फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल, कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। देखिए ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें अब हम अपनी ये सभी फ्राई कर देंगे। देखिए थोड़ी ही देर में ही अपने आप ऊपर आ जाएंगे। हल्का सा ऊपर आने के बाद आप इनको हिला दें। देखिए थोड़ा सा फ्राई होने के बाद कलर चेंज होने लग गया इनका, इनको आप टर्न आउट कर दें। ये देखिए सभी गोल्डन कलर में बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। इसमें हमने कलर देने के लिए थोड़ा सा शुगर पाउडर ऐड किया है, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आए। अब गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे, इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए हमारे बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए, देखिए गोल्डन। सबको अब हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना क्रंची आवाज आ रही होगी। और इसको अब हम एक
ये देखिए नैपकिन पर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपना सेकंड राउंड डालेंगे। अब ये देखिए हमने सेकंड राउंड डाल दिया। ये देखिए हमारे झटपट से क्रिस्पी पोटैटो कॉइंस बनकर तैयार हैं। इसके ऊपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये चाट मसाला, बहुत हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप विदाउट किसी मसाले के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हल्का सा ये रेड चिली पाउडर, देगी लाल मिर्च वाला, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। देखिए हमारे क्रिस्पी क्रंची पोटैटो कॉइंस बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।